19 मई 1974 को बुधाना में जन्मे नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जिनमें हीरोपंती 2, गैंग्स ऑफ वासेपुर, एक रात अकेली है जैसी फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें कि महज 43 वर्ष की उम्र में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें ली हैं। जी हां दोस्तों, उनके निधन की खबरें इस वक्त लगातार वायरल हो रही हैं और कहा जा रहा है कि एक हफ्ते पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में हार्ट अटैक आने की वजह से एडमिट करवाया गया था और वहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें ली हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन लगातार निकल कर सामने आ रही है। महज 47 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को नवाजुद्दीन सिद्दीकी अलविदा कह चुके हैं, ऐसी खबरें लगातार वायरल हो रही हैं दोस्तों। पर इसके बारे में अभी तक उनके परिवार या फिर किसी बड़े एक्टर ने पुष्टि नहीं की है, जिसके तौर पर यह माना जा रहा है कि उनके निधन की खबरें महज अफवाहों के तहत ही आ रही हैं। हालांकि उन्हें हार्ट अटैक आया था और उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है या नहीं, इसके ऊपर भी अभी तक सवाल बना हुआ है। ऐसे में अगर आपने भी इस तरीके की किसी भी जानकारी को देखा या सुना है तो उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो का बनाने का हमारा असली मकसद यही है दोस्तों। अगर आप भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फैन रह चुके हैं, अगर आप भी उनके अभिनय के दीवाने हैं, तो श्रद्धा भावपूर्ण इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हुए, उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए कमेंट में आकर गेट वेल सून जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।